वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इंश्योरेंस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। क्या है कि हाल ही में IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक निर्देश जारी किया है कि आप सभी बीमा कंपनी अपने ग्राहकों को वीडियो बेस्ड KYC कर सकेंगे। इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और उसी के साथ प्लीज़ मेरा चैनल मिति ऑनलाइन को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले ग्राहकों को लिए ये बड़े काम की खबर है। जी हाँ, ग्राहकों को आप KYC के लिए नहीं जाने का जरूरत नहीं होगी, ना ही किसी एजेंट से मिलने का जरूरत पड़ेगी। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लाइव इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अपने संभावित ग्राहकों को वीडियो आधारित KYC करने का मंजूरी दे दी है। IRDA के इस कदम से बीमा कंपनी को अधिकारी कोरोना संकट से इस दौर के ग्राहकों को KYC अनिवार्यता का ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे। क्या है कि अभी कोरोना के कारण में KYC कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इसलिए ये वीडियो बेस्ड KYC करने के लिए IRDA ने मंजूरी दे दी है। आप बता दें कि सोमवार ने IRDA ने कहा है कि वीडियो आधारित प्रक्रिया के मकसद विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए KYC की प्रक्रिया का आसान और ग्राहकों के अनुकूल बनाना है। इससे उनका संक्रमण की चपेट में आने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। नियामक ने कहा है कि बीमा कंपनी ऐप विकसित करे KYC की प्रक्रिया का ऑनलाइन या वीडियो के जरिए कर सकेंगे। यह है कि इससे पहले जो ऑनलाइन KYC था वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से होता था, लेकिन IRDA ने कहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म से किसी भी ऐप से ये प्रक्रिया कर सकेंगे ऑनलाइन या वीडियो KYC के जरिए। वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया के जरिए खोले जाने वाले सभी खातों को अन्य सेवाओं के बीमा कंपनी को समुचित सत्यापन के बाद ही शुरू करना होगा, जिससे इस प्रक्रिया का विश्वसनीयता बने रहे। इसके अलावा बीमा कंपनी को तय नियमों के तहत सॉफ्टवेयर का सुरक्षा भी अपडेट करना होगा। क्या है कि सिर्फ ऐप लेने में काम नहीं होगा, ऐप के जरिए जो ग्राहकों का तत्व है उसको भी सुरक्षा देना होगा। क्या है कि अभी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन KYC करवाने के समय ग्राहकों को सुरक्षा भी देना होगा। IRDA के इस निर्देश से आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, नया इंश्योरेंस आप घर से ही खरीद सकते हैं। आज बस इतना ही, बाद में मैं नया वीडियो ले आऊँगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और उसी के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और उसी के साथ मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।